खबर रायपुर से, जहां रायपुर के एक हॉस्टल में गर्भवती महिला से दुर्व्यवहार और मारपीट के मामले में स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के डीन को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। वहीं डीन का कहना है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग आरोपी कर्मचारियों को निलंबित करने की है, जो बिना जांच पूरी हुए संभव नहीं है। ऐसे में लोगों का आरोप है कि पूरी कार्रवाई को जांच के नाम पर लेपा पोती करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक महिला को इंसाफ नहीं मिल पाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या छत्तीसगढ़ शासन या भारत शासन द्वारा कहीं कोई ऐसा नियम लिखित में कोई नियम है कि चौथी डिलीवरी यहाँ पर भारत में बंद है, या डॉक्टर को यह अधिकार किसने दिया कि चौथी डिलीवरी पे हम उनको थप्पड़ मार सकते हैं, तत्काल उनको जांच पूरी होते तक निलंबित किया जाए और निष्पक्ष जांच करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर है, उनके स्पष्टीकरण लिया गया, मीटिंग हुई डिपार्टमेंट में, इंटर डिपार्टमेंटल हुई। अब उनका स्पष्टीकरण जब आएगा तो कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेगी। मेरे संज्ञान में मामला लाया गया, वो भी 2 दिन बाद, और माननीय मंत्री जी के यहाँ से भी मुझे आदेश मिले हैं, निर्देश किया है कि इसमें कार्रवाई। तो अस्पताल में गर्भवती महिला से मारपीट का ये पूरा मामला है, जिसमें 5 दिन बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है जांच की टीम, और इस पर परिजनों और समाज सेवियों ने ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस मामले पर न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जांच के नाम पर लीपा पोती करने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुछ तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से समाज सेवी एकजुट हुए हैं और उन्होंने गर्भवती महिला के लिए न्याय मांगने की गुजारिश की। कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वतंत्र सत्या राजपूत फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्या, ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, कहा गया है कि जल्द ही न्याय मिल जाए, लेकिन जांच टीम का क्या कहना है? तो सत्या राजपूत से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ सत्या जुड़ गए हैं। सत्या, जांच को लेकर सवाल उठा रहा है समाज सेवी जो हैं, वो जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनका कहना है और अपने ज्ञापन में उन्होंने किन बातों का उल्लेख किया? देखिए, हम बता दें कि ये पूरा मामला 19 तारीख का है, आज 6 दिन हो चुका है, उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं आया है। इस मामले पे जो हंगामा और विरोध प्रदर्शन होना स्टार्ट हो गया है, कई सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे शिवसेना की बात करें, शिवसेना पार्टी है, उन्होंने भी जांच की मांग की है। उसके बाद सामाजिक सेवा दल के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी जांच की मांग कर उस पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक इससे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें टीम गठित की गई थी, उसके टीम चलिए अब उम्मीद करते हैं कि महिला को सही समय पर न्याय मिल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि जांच के नाम पर मिलीभगत कर मामले को लीपापोती कर रफा दफा करना चाहता है प्रशासन, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि महिला को आखिर कब तक न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्या। बुलेटिन में ताही गुजरात खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।